नमस्कार, हमार बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि संक्रमण के कारण बिहार में 15 जून तक पंचायत चुनाव होना संभव नहीं है। 15 जून के बाद पंचायत की सभी शक्तियां अधिकारों को मिल सकती है, इसलिए पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में वर्तमान में जो पंचायती प्रणाली है उन्हें ही वह शक्तियां प्रदान की जाए, इससे इस संक्रमण काल में पंचायतों में अच्छे तरीके से काम हो पाएगा। अनुरोध पत्र हमें मिला, उसी के आशय में एक माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार है, चूंकि समय पर चुनाव नहीं होने की संभावना है तो उनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और अधिकारियों को शक्ति मिल जाएगी और जनप्रतिनिधियों के पास अगर अधिकार रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से देख पाएंगे। इस आशय का अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि इस पर आगे सभी लोगों से बातचीत करके विधि सम्मत कार्रवाई। आरजेडी ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है। आरजेडी नेता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 100 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन सब बंद पड़े हैं। सरकार से उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा है कि आखिर इन स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाली दवाइयां उपकरण कहां जा रहे हैं। आरजेडी नेता ने चारों ही चारों में सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा दिया है। जितने संख्या में बिहार में दम तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्वास्थ्य उपकेंद्र या अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र, 1000 से कम नहीं है, ज्यादा है। अब बताइए को भवन निर्माण के नाम पर रख रखाव के पैसे कहां जा रहे हैं जब बंद है, कागजों पर संचालित है तब, और कागज पर संचालित है बंद है तो मेडिकल उपकरण के पैसे कहां जा रहे हैं, कौन लोग वहां पदस्थापित उसके पैसे कौन भुगतान कर रहा है, दवा सुइया कहां जा रहा है, सालों साल इस तरह के खेल हो रहे हैं, संगठित भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग करता है और हम सीबीआई जांच की मांग करना चाहते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद पप्पू यादव की रिहाई को लेकर पटना की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में पप्पू यादव को रिहा करने की मांग की गई है। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी मधेपुरा के एक पुराने केस में हुई है। फिलहाल पप्पू यादव डीएमसीएच में इलाजरत है और पुलिस के संरक्षण में है। पोस्टर में पप्पू यादव की फोटो को दिखाया गया है और इसमें पप्पू यादव की रिहाई को लेकर सरकार से अपील भी की गई है। यास तूफान को लेकर बिहार में अलर्ट जारी है। गंगा घाटों के किनारे बहुत तेज हवा चलने शुरू हो गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गंगा घाट के किनारे कितनी तेज हवाएं चल रही है और गंगा में लहरें भी उठनी शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद गांव में बता दें कि गंगा जी में नाव का परिचालन बखूबी जारी है, जो पूरी तरीके से लापरवाही है और इससे जानमाल की हानि हो सकती है। वहीं बिहार सरकार ने गंगा में नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है और खुले मैदान में लोगों के जाने पर भी रोक लगा दी है। फिलहाल गंगा किनारे तूफान का असर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच सारण जिले के गड़खा प्रखंड के बसंत रोड एसबीआई एटीएम के समीप बरगद का विशालकाय पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ के सड़क पर गिरने से गड़खा मानपुर सड़क पर घंटों आवागमन बाधित रहा। गड़खा प्रखंड प्रशासन ने विशालकाय पेड़ की डालियों को कटवाकर उन्हें सड़क से हटाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हुआ। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास का असर दरभंगा में भी देखने को मिल रहा। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। वहीं यास को लेकर जिलाधिकारी ने नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हुए सभी अधिकारी को स्थिति पर नजर बनाए रखने के साथ ही जिलावासियों से अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यास तूफान को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारी से ऑनलाइन बैठक करते हुए ये कहा कि बिहार में तूफान का असर 27 मई से 30 मई तक रह सकता है और इसके लिए
सभी जिला के अधिकारी अलर्ट रहे। साथ ही उन्होंने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखते हुए कोविड 19 केयर सेंटर पर इलाजरत मरीजों की देखरेख के साथ ही बिजली के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। नालंदा में चक्रवाती तूफान यास का असर दिख रहा, यहां लगातार बारिश हो रही और तेज हवाएं भी चल रही है, जिसके कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता दिख रहा। बिहार शरीफ शहर के कमरुद्दीनगंज मोहल्ले में तेज हवा के कारण ताड़ का एक पेड़ मकान के ऊपर गिर गया। हालांकि इससे पेड़ के गिरने से ज्यादा क्षति नहीं हुई, लेकिन आसपास के मकान के लोगों में भय का माहौल देखा गया। भागलपुर में लॉकडाउन अनुपालन कराने को लेकर आईपीएस अधिकारी पूरन झा बाइक से सिविल ड्रेस में निकले। नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अपने सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर लहराना पड़ा, और तो और अपने ही शागिर्दों को बताना पड़ा कि मैं सीटीएसपी आईपीएस पूरन झा हूँ। तब जाकर गश्ती और ड्यूटी में सुस्त पड़े जवान ने साहब को सलाम करने लगे। दरअसल सीटीएसपी आईपीएस पूरन झा वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा 26 मई से 1 जून तक पूरे प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन का अनुपालन पुलिस कर्मियों के द्वारा किस तरह कराया जा रहा, इसको देखने सिविल ड्रेस में मोटरसाइकिल पर अपने एक सहयोगी के साथ सवार होकर निकल गए, जिसके बाद भागलपुर के मनाली चौक पर उन्होंने पुलिस कर्मियों को आराम फरमाते देखा, जिससे उनका पारा आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस बल के जवानों को जमकर फटकार लगाते हुए उन्हें अपना कर्तव्य बोध कराया। उसके बाद आईपीएस अधिकारी भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलग अलग मोहल्ले में लॉकडाउन की स्थिति जानने पहुंचे। पता है किससे बात कर रहा है? लॉकडाउन एसपी पूरन झा बोल रहा हूँ। हाँ, अब कर आर्ग्यूमेंट कर क्या रहा है यहाँ पर बैठ करके? सुबह या लूट हुई है? अरे तो तूने किया क्या? किसी गाड़ी को चेक किया? कितने दिन में नौकरी के यूनिफॉर्म कोड ही पूरा भूल गया है? पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है वर्दी का? वर्दी पहनने में शर्म आ रहा है तुम लोगों को? रिपोर्ट तो देख ले, वैसे भी करूंगा, मेरे रिपोर्ट में भी तू सस्पेंड हो जाएगा, जानता है ना इतना? सुबह कैसे साहब जो आदेश दे रहा हूँ। गोपालगंज में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में बहस हुई और इस बहस के दौरान पड़ोसी ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक को हाथ में गोली लगी, जबकि दूसरा युवक बाल बाल बच गया। पीड़ित युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना माजागढ़ थाना क्षेत्र के कोइनी गाँव की है। पीड़ित अशरद अली ने बताया कि वह अपने जमीन पर एक रूम बनवा कर रह रहे हैं। इस रूम के बगल में नाला निकालने को लेकर पड़ोसी विवाद हुआ था, जिस पर पड़ोसी ने घर के बाहर खड़े शख्स के ऊपर गोली चला दी। गोली उनके हाथ में लगी, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित के भाई नसीम अहमद ने बताया कि वे भी बीच बचाव में जब आए तो गोली उनके सीने पर मारी गई, लेकिन वे बच गए और गोली उनके सीने को छू कर निकल गई। इस पूरे मामले में कुख्यात अपराधी ढडुआ और उसके भाई पर गोलीबारी करने का आरोप लगा है। मांझागढ़ पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। इन्हें गोली मार दिया था, फिर हम लोगों ने पहुंचा और छुड़ाने की कोशिश की, तो फिर दो तीन राउंड फायरिंग किया, जिसमें कि गोली यहां से होकर निकली है, देखिए ये सीधे सीने में ही लगती है और मैं इस समय खड़ा नहीं रहा। इन्हें अपना रूम बनाए हैं, उसके बाद बगल का आदमी उसमें नाली निकाल रहा है, भडुआ का भाई, तो वो आकर बोला कि ये तो सब मेरा है। हम बोले तुम नापी करा लो, तुम्हारा हो तो निकाल लो, तो कह रहा है रंगदारी मत बतिया। हम बोले रंगदार तो तुम हो, तब तक पिस्टल निकाला मार दिया। उसका एक छोटा भाई है, वो एक पिस्टल लिया था, उसकी बीवी थी, वो उनका पत्थर चला रही। गोपालगंज में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए रोज नए कार्य किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही आप बता दें कि जरूरत पड़ने पर ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था
सुचारू रूप से बहाल नहीं हो पा रहा है। मामला हथुआ अनुमंडल के मटियानी माधो स्वास्थ्य उपकेंद्र का है, जहां पर वर्षों पूर्व हेल्थ एवं वेलनेस केयर सेंटर खोला गया था, ताकि हथुआ प्रखंड के दूरदराज के इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। लेकिन इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में कभी कभी यानी स्वास्थ्य कर्मी यहाँ डॉक्टर पहुँचते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर अक्सर ताला लगा रहता है। कोरोना काल में जब बीमार मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल की जरूरत पड़ती है, तब इस इलाके के लोगों को इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में मायूसी ही मिलती है और उन्हें इलाज के लिए हथुआ जाना पड़ता है। कितना दिन से बंद पड़ा है यहाँ पर, कोई डॉक्टर कोई भी नहीं आता है। हम लोग को कुछ भी होता है तो हम लोग हथुआ जाते हैं हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, कुछ भी होता है। यहाँ पे बहुत दिन से कोई आ ही नहीं रहा है, ना कोई डॉक्टर आ रहा है, ना ही कोई नर्स आ रही है। आप देख सकते हैं बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन दरवाजा बंद है, फिर लौट के जाना। गया जिले के बुद्ध नगरी सुजाता के ऐतिहासिक जगहों को सांसद और सरकारी तंत्र ने शर्मसार कर दिया है। कोरोना काल में भी बंद अस्पताल का ताला नहीं खोला। जिला स्वास्थ्य समिति की राशि से सांसद आदर्श ग्राम बकरौर गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया। इस स्वास्थ्य केंद्र को बनाने में लगभग 5 लाख से ऊपर खर्च हो गए हैं, लेकिन अब स्थिति है कि नया भवन अब जर्जर हो गया और अस्पताल में बनाए गए बेड बर्बाद हो गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य बोध गया के डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि स्टाफ की कमी है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए तमाम सरकारी तंत्र सक्रिय और इसका असर बाजार क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह पूरी तरह विफल साबित हो रही। जबकि अभी भी अधिकांश आबादी का हिस्सा ग्रामीण इलाकों में ही बसती है, जहाँ कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल हो सकता है। और तस्वीरें पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुबियाही पंचायत में लगने वाले दो मुख्य हाटों की है, जहां हाट में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहीं सोशल डिस्टेंस या फिर सरकारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए किसी भी तरह की प्रशासनिक पहल नहीं की जाती, और यही कारण है कि दुकानदार से लेकर ग्राहक तक कोई भी नहीं सामाजिक दूरी का पालन करता है। और हटिया सरकार की ओर से कहा गया है कि 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जो हाँ सोशल डिस्टेंस रखते हुए, हाँ सोशल डिस्टेंस यहाँ कानून का खिलाफ हो रहा है। कौन चीज के लिए? दूध लेने के लिए? कौन चीज? चाय चीनी? चीनी। मास्क कहा ना लगाया है? मास्क है कहाँ? सीतामढ़ी में एक ऐसा गाँव है जहाँ कोरोना की एंट्री पर रोक लगा दी गई, और हम बात करें जिला मुख्यालय डुमरा से करीब 18 किलोमीटर दूर बतनाहा प्रखंड के माधोपुर गांव की, जहां की आबादी करीब 5000 की है। और इस गांव में युवाओं की सजगता के कारण अब तक कोरोना की एंट्री पर बैन लगा रखा है। गांव के 21 युवाओं ने एक सदस्य टीम बनाई है, जो घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रही है और साथ ही लोगों में जागरूकता भी फैला रही है और लोगों को सजग रहने की अपील करें। यह युवा टीम गाँव के 45+ आयु वर्ग के लोगों को टीका भी दिलवा रही है और लोगों को कोरोना की जांच भी करवा रहे। और इतना नहीं, बिना काम इधर उधर भटकते युवाओं के साथ लापरवाह लोगों को ये युवा टीम फटकार लगाने से भी पीछे नहीं हटते और बिना मास्क लगाए लोगों को मास्क लगाने के साथ लोगों में मास्क भी उपलब्ध करने में पीछे नहीं हटते हैं। किसी को तबियत बुखार महसूस होता है, सर्दी बुखार जुकाम हुआ सिम्टम आता है, उनको पता चल चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं कि क्या सिम्टम आने पे हमें इन लोगों से संपर्क करना चाहिए। तो वो हमें संपर्क करते हैं, हमें बताते हैं, तो हम उन्हें टेस्ट को भी टेस्ट कराने के लिए आग्रह करते हैं। उनके लिए जो भी गाइडलाइंस के अनुसार जो दवा मुहैया होती है वो दवा मुहैया कराते हैं, उनके पास दवा लेके। बक्सर नगर में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नगसरहाल थाना क्षेत्र के गगरन गांव की रहने वाली एक महिला की नगर थाना क्षेत्र के किला मैदान के समीप एसडीपीओ आवास के सामने ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने देवर के साथ बाइक पर सवार होकर सोहनी पट्टी स्थित अपने मायके आ रही थी। इस बीच अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में हल्की टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला सड़क पर गिर गई और जैसे ही महिला सड़क पर गिरी ट्रक के पहियों की चपेट में आकर बुरी तरह कुचल जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वही घटना में बाइक चला रहे उसका देवर भी मामूली रूप से जख्मी हो गया। मौके पर सदल बल पहुंची और मॉडल थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया और ट्रक को जब्त कर लिया और साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया गया। क्या हुआ, अचानक हम लोग के साइड आ गया, तब तक उनका बैग फंस गया, वो गिर के पैर चढ़ा दिए। इसमें पता चला है कि आप भी घायल हुए थे, आपको कहाँ कहाँ से? ये बीच में लगा। ट्रक कहाँ है, ट्रक को पुलिस पकड़ ली जी? ट्रक कहाँ है अभी, ट्रक भाग गया कि थाने पे? खगड़िया में कार के पलटने से दूल्हा और दुल्हन दोनों घायल हो गए। दोनों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए बता दें कि बेगूसराय प्राथमिक उपचार के बाद बेगूसराय रेफर कर दिया गया। 26 मई को दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर लौट रहा था। दुल्हन रेणु कुमारी खगड़िया जिले के पहाड़पुर की रहने वाली है। वह अपने पति के साथ कार से मायके पहाड़पुर से ससुराल बेगूसराय जिले के मलाईडी जा रही थी। इस दौरान मानसी थाने इलाके के 5 किलोमीटर के पास कार गड्ढे में जा गिरी, जिसमें नव दंपति घायल हो गए, जबकि कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि सामने सारे एक बाइक को बचाने में कार पलट गई। अपना घर जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? सर पहाड़पुर गाँव से आ रहे थे। कहाँ जाना था आपको? मलाईडी गाँव। क्या हुआ? एक गाड़ी मोटरसाइकिल वाला जा रहा था सर, ठीक लगे आगे, वो अचानक से थोड़ा राइट ले लिया, तो बचाने के चक्कर में हमारा गाड़ी वाला आगे खत्म में सर लेकर के चले। जो घायल हुए वो कौन है आपके? जो घायल हुए वो कौन है आपके? हमारा भतीजा सर। खबर रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के दीनारा से, जहाँ भागीरथा गांव में एक अनियंत्रित बाइक ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसे बाइक सवार 26 वर्षीय संजय चौहान और उनके 3 वर्षीय पुत्र रिक्की कुमार की मौत हो गई, और जबकि उनकी पत्नी घायल हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बक्सर जिला के राजपुर थाना के अकबरपुर गाँव के रहने वाले संजय अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर गाँव लौट रहा था, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। सूचना मिलते ही दिनारा थाना की पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है, जबकि महिला को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। उदय हादसे के बाद परिजनों का हाल बेहाल है। अच्छा, फिर कहाँ लेकर आए हैं? आरा में घटित एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह घटना तब घटी जब बैंड पार्टी के लोग एक मैजिक गाड़ी पर सवार होकर चरपोखरी थाना के इटौर गांव में लौट रहे थे, और तभी इसी थाना क्षेत्र के देवरी महाबीरगंज मोड़ पर उनकी यह मैजिक खड़े कंटेनर में जा घुसी और घटना में 4 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से चरपोखरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। मृतक जिले के पवना थाना के पवना के रहने वाले बताए जा रहे, जो कि वाही के बैंड पार्टी में काम करते थे। पटना से खबर, हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस के सख्त रवैये पर नाराजगी जताई है। 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। कोविड अस्पताल में मरीजों और परिजनों से बुरा बर्ताव के इसको लेकर हाईकोर्ट ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वही पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन लागू करने में पुलिस के सख्त रवैये पर राज्य सरकार से 2 जून तक जवाब देने का निर्देश दिया है, और चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पुलिस के रवैये पर गंभीर चिंता जताई है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, और हाई कोर्ट ने 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट पर भी विचार किया। यह कमेटी ने राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया। हाई कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि कोविड से केयर सेंटर में मरीजों और उनके परिजनों के साथ अस्पताल में बुरा बर्ताव किया जाता है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर गंभीरता लेते हुए इस पर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 जून को होगी। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संपादक संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। फोन पे संतोष जी, पुलिस के रवैये पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है, क्या है हम जानकारी इस खबर को लेकर? हाँ देखिए, हम लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सख्ती पर
हाईकोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के गठन किया है। मामले में उन्होंने कहा है कि इस तरह की सख्ती बरतना कानूनी दायरे में नहीं आता है। हालांकि इसके दूसरे पहलू भी हैं जिसको लेकर हाईकोर्ट का रुख थोड़ा नरम दिखा। सरकार के दलील के बाद की गई सख्ती बरत रही है, मान नहीं रहे, और ऐसी स्थिति में किसी के लापरवाही की वजह से दूसरे लोगों की जान जा रही है जी। इसको देखते हुए कहीं कहीं सख्ती भी बढ़ती गई है। हालांकि कोर्ट ने सरकार के वकील के इन दलीलों को उतनी गंभीरता से नहीं ली है और अब 2 तारीख को सुनवाई होगी और उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी को कहा है कि पूरे मामले की जांच करके जी क्या वस्तु स्थिति क्या है उससे कोर्ट को अवगत कराएगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संतोष जी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित इलाके का भीम बांध और सोनरवा गांव के लोगों को आजादी के 74 साल में चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई है। यहां के लोगों को इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टरों पर आश्रित रहना पड़ता है और इस इलाके के पैरगा और कोढ़ा जाति के लोग हैं। ये लोग खेती और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। वन विभाग के नियम कानून और सियासी दाव पेश के कारण आज तक इस इलाके में पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो सका है और जिसके कारण इस इलाके के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस इलाके में यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए या किसी महिला को डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़े तो इन्हें या तो 26 किलोमीटर खड़गपुर या फिर 12 किलोमीटर दूर लक्ष्मीपुर जाना पड़ता है। ऐसे में यहाँ के लोग जान जोखिम में डालकर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जबकि इस इलाके का दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं और इस इलाके में उन्होंने वन से जुड़ी करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इसके बावजूद इस इलाके में अब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल पाया है। खांसी सर्दी बुखार हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, गाड़ी घोड़ा के भी प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे ले जाते हो? ले जाते हैं अपना गाड़ी करके। ये देखना है सरकार के कि जनता मेरा मरती है या बचती है जी। तो क्या व्यवस्था यहाँ पर कुछ पहुँची? कुछ व्यवस्था हम लोगों का नहीं, स्वास्थ्य के नाम पे यहाँ पर व्यवस्था है ही नहीं। सबसे पहले तो यहाँ एक उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ के स्थानीय लोगों को 13 किलोमीटर लक्ष्मीपुर पड़ता है। वहाँ मुंगेर के पूरब सराय ओपी के मैं 200 मीटर की दूरी पर शाहजुबे रोड के सामने सड़क किनारे एक मृत नवजात बच्चा फेंका हुआ मिला। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि मृत बच्चा किसी अज्ञात लोगों के द्वारा यहां फेंक दिया गया क्योंकि बच्चा एक पॉलिथीन में पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पूरब सराय पुलिस के द्वारा बच्चे को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुंगेर तारापुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर एक अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से 65 वर्षीय रिक्शा चालक की मौत हो गई और स्थानीय लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। इसी दौरान रिक्शा चालक रिक्शा को लेकर अपने गांव धनपुरा की ओर जा रहा था कि अज्ञात वाहन की ठोकर से गेंदालाल पासवान रिक्शा से गिर कर बुरी तरह से जख्मी हो गए जिससे उनका सर फट गया। अत्यधिक रक्त स्राव होने के कारण घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद जब तक स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे तब तक घायल बुजुर्ग दम तोड़ चुके थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर तारापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना अंतर्गत पस्तपार ओपी शिविर क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में मृत्यु भोज खाने के दौरान उत्पन्न हुए विवाद में स्थानीय व्यक्ति ने 30 वर्षीय प्रदीप साह को गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने जख्मी को आनंद फानन में उसे शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया जहां इसका इलाज चल रहा। जख्मी के परिजन की माने तो मृत्यु भोज खाने के बाद यानी दौरान दो युवक प्रदीप और मोनू के बीच मामले का हासुनी हो गई। मौजूद लोगों ने दोनों को समझा बुझा कर मामला शांत करा दिया। बकवास भेल तुरंत तुरंत चलिए गोली मारि दे। कौन गोली मारा है, किसको गोली मारा है? प्रदीप साहब का मुनमा मारा है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।